हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम बैक इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। देखिएगा बच्चों, जैसे कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज हमने स्टार्ट किया है और ये है हमारा यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 2.5, लेट्स मार्च पार्ट 3। आप बोल रहे होगे कि पार्ट 1 और 2 किधर है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पार्ट 1 एंड 2 का आपको लिंक मिल जाएगा, अदर्स लेक्चर का भी मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे देखोगे तो वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारे लेक्चर्स पढ़ाकर अपलोड हो रहे हैं और अगर आप इस लाइव लेक्चर में चैट बॉक्स में आना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैट बॉक्स में नहीं आ पाओगे। एंड यस ऑफ कोर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3। जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेट्स मार्च यह जो लेसन है यह कैलाश सत्यार्थी जी का फोटो है। उनको जब नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में, तब उन्होंने जो स्पीच वहां पर दिया था, तो वो स्पीच आपको इस लेसन में एज अ आपका एक लेसन बन के आया है आपके टेक्स्ट बुक में। पार्ट 1-2 तो हो चुका है, लेट्स लर्न द पार्ट 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आ सकता है। सो लेट्स लर्न पार्ट 3। यहाँ पर कैलाश जी कह रहे हैं, आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, बिजनेसेस, फेथ लीडर्स, वर्कर्स, टीचर्स एंड एनजीओस एंड ईच वन ऑफ अस टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। वे सभी से विनती कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल जो एजेंसीज काम करती है, उसके साथ जो बिजनेसमैन है, जो लीडर्स काम करते हैं, फेथ लीडर्स, जो वर्कर्स है, जो शिक्षक है, टीचर्स है, जो एनजीओज है, जो संस्थाएं काम करती है, और हर एक के लिए वो एडवाइस, एक सभी के लिए रिक्वेस्ट करे कि हम कुछ तो करें आगे आके, और बच्चों पर हो रहा है ये अन्याय हम कहीं पे तो जाके खत्म करें। स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, स्लेवरी यानी कि बच्चों को मजदूर बनाना, बाल मजदूर, ट्रैफिकिंग यानी उनसे उनसे भीख मंगाना, चाइल्ड मैरिजेस यानी बचपन में ही शादी करा देना, चाइल्ड लेबर यानी उनसे छोटेपन में ही काम कराना, सेक्सुअल अब्यूज, उन पर लैंगिक अत्याचार करना, एंड लिटरेसी और उनको पढ़ने न देना, दिस थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं तो इन सारी चीजों को हमारी सोसाइटी में जगह नहीं है और ये सारी चीजें हमें जड़ से खत्म करनी चाहिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, We can do this, हम ये कर सकते हैं। Government must make child friendly policies. So इसके लिए हमारा जो government है उसने first of all child friendly policies बनानी चाहिए and invest in education and young people. और उन्होंने investment कहाँ पर करनी चाहिए, education sector में और young people के लिए। Businessmen must be more responsible. जो businessmen लोग हैं वो बहुत ही क्रियाशील रहने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रहने चाहिए, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स, और नई चीजें उन्होंने लानी चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज जो सरकार के तहत काम करती है हर एक देश के, कंट्री के, मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन, उन्होंने एक साथ मिलकर इस चीज पर काम करना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबोव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज। विश्व की जितनी भी सोसाइटीज, हम एक सोसाइटी समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति भी, समाज का भी यह कर्तव्य है कि वो इसके लिए आगे काम करें। एंड फ्रैगमेंटेड का मतलब यहाँ पर देखिएगा, फ्रैगमेंटेड का मीनिंग दिया है ब्रोकन इनटू सेपरेट पार्ट्स, एंड एजेंडा का मतलब है थिंग्स टू बी डन टू सॉल्व प्रॉब्लम। जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, जो हम चीजें अलग अलग होती है, सबको एक साथ आकर काम करना चाहिए। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन, हमें हमारे बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल, हमारे पास, हमने बहुत ही आगे आकर खुले दिल से काम करना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय बनाना चाहिए और एक इच्छा शक्ति के साथ हमने काम करना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और जो वादा हमने किया है बच्चों के लिए वो हमने निभाना चाहिए। ओवर 50 ईयर्स अगो
50 साल पहले ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, जब मेरे स्कूल का पहला दिन था, आई मेट अ कॉबलर बॉय माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल. मैंने मेरा एक मेरे एज का एक जो कॉबलर बॉय था जो गेट के बाहर बैठा था, मैंने उसको मिला एंड आई आस्क माई टीचर, और मैंने मेरे शिक्षक से पूछा, Why is he working outside? वो बाहर क्यों काम कर रहा है? Why is he not with us in the school? वो हमारे साथ अंदर स्कूल में क्यों नहीं है? My teachers had no answers. लेकिन मेरी उस टीचर के पास तो कोई आंसर ही नहीं था. One day, एक दिन, I gathered the courage to ask the boy's father. एक दिन मैंने बहुत ही हिम्मत करके उस लड़के से पिता से बात की. He said, उसने कहा, Sir, I have never thought about it. We are born to work. कि सर, मैंने इस चीज के बारे में कभी प्रयास ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, हमारा जन्म ही काम करने के लिए हुआ है. His answer made me angry. उनके जवाब ने मुझे गुस्सा दिलाया. It will makes me angry. और मुझे बहुत गुस्सा आया. As a child, I had a vision of tomorrow. बच्चा जब मैं था तो मेरे पास कल का एक विजन था, सपना था. A vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. कि वो cobbler boy जो है तो उसका भी तो कोई विजन रहेगा. Now, आज, that tomorrow has become today. और जो मैंने कल के बारे में सोचा था, आज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. I am today. मैं आज यहाँ पर हूँ. And you are today. और आप भी आज यहाँ पर हैं. Today it is time for every child to have a right to life. आज हर एक बच्चे को ये अधिकार है कि वो जिंदगी जी सके. Right to freedom. स्वतंत्रता से जी सके. Right to health. उसे अच्छी स्वास्थ्य मिले. राइट टू एजुकेशन, उसे अच्छी शिक्षा मिले. राइट टू सेफ्टी, उसे सेफ्टी मिले, सुरक्षा मिले. राइट टू डिग्निटी, उसमें समाज में अच्छा स्थान मिले. राइट टू इक्वालिटी, समता समानता से उससे पेश आए. एंड राइट टू पीस, और शांति उसके पास होनी चाहिए. टुडे, आज, बियॉन्ड द डार्कनेस, अंधेरे को पीछे छोड़कर, आई सी द शाइनिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स. अंधेरे को पीछे छोड़कर चमचमाती इन जो चंदा तारे हैं, इनके बीच में मुझे मेरे आज के जो बच्चे हैं उनके हंसते हुए चेहरे दिख रहे हैं. टुडे, आज, इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन, समंदर की हर एक लहर में, आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग. मैं मेरा हर बच्चा खेलते हुए हंसता मुस्कुराता हुआ देख रहा हूँ. टुडे इन एवरी प्लैनेट, इन एवरी ट्री, आज एक टुडे इन एवरी प्लांट, हर एक पौधे में, हर एक वृक्ष में और हर एक माउंटेन में, आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी. मैं देख रहा हूँ कि बच्चे फ्रीडम से, यानी कि पूरी स्वतंत्रता से घूम रहे हैं. फ्रेंड्स, दोस्तों, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टूडे इन साइड यू. मैं जो आज महसूस कर रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ये चीज आज महसूस करें. माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा, मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टूडे. आज बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है. मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट यूर हैंड क्लोज टू यूर हर्ट. क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूँ कि आप अपना दिल, आप अपना हाथ अपने दिल पर रखें. क्लोज यूर आईज, अपनी आंखें बंद करें एंड फील द चाइल्ड इन साइड यू, और अपने अंदर के उस बच्चे को आप महसूस करो. आई एम श्योर यू कैन, और मुझे यह पता है कि आप वो महसूस कर रहे हो. नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज, अभी उस बच्चे की आवाज सुनिएगा. टुडे, आज, आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज. मैं हजारों महात्मा गांधी जी देख रहा हूँ, नेल्सन मंडेलास देख रहा हूँ एंड मार्टिन ल्यूथर किंग्स देख रहा हूँ, कॉलिंग ऑन अस. लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज. देखिएगा, आज जो नॉलेज है उसको लोकतंत्रित करें. लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस. विश्व में सभी जगह पर न्याय हो. टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. साथ मिलकर काम करें. आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम. यहाँ पर मैं आप सभी को बोल रहा हूँ एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस पूरी दुनिया को. आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन. देखिएगा, जो बच्चों का हाल होता है, एक्सप्लॉयटेशन यानी टेकिंग अनड्यू एंड अनफेयर एडवांटेज ऑफ समथिंग और समवन, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से
उसको शिक्षित करने तक। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, गरीबी से मेरा ये जो मार्च है, मेरा ये जो मोर्चा है, जो आंदोलन है, वो गरीबी से सबको एक जैसी सुविधा मिले। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, यानी कि गुलामी से आजादी तक, एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, अहिंसा से हिंसा से अहिंसा के मार्ग तक। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, इन चीजों को इग्नोर करने से अच्छा है इनके बारे में सोचे। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से प्रकाश की ओर। लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टैलिटी टू डिविनिटी, डिविनिटी का मतलब होता है इमोर्टैलिटी। लेट अस मार्च, और इसीलिए इस लेसन का यहाँ पर नाम आया है लेट्स मार्च। चलो आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज में, पूरे विश्व में एक साथ मिलकर एक जो एकता की भावना से काम करते हैं। सो ये बहुत बहुत प्यारा लेसन था, आई रियली लाइक इट। और मुझे ये जो चीजें बच्चों आपको पढ़ाते हुए, मुझे भी बहुत गर्व महसूस होता है कि आई एम टीचिंग यू ऑल दिस लेसन्स, जो आपको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में ये जो लेसन्स आए। सो आई रियली अप्रिशिएट कि हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स आपके टेक्स्ट बुक में डाले हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो एक अच्छा इंसान बनने की, और ये आपकी जो यात्रा है जीवन की, ये अच्छी तरह से हो। एंड थैंक यू सो मच टू योर लव एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।